मेरा कैमरा चालू रहेगा, आप कैमरा के नजर में आप पंचायती के पंचायत राज का जो नियम है पंचायती के कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर देखो हम जकर दो के बाद हम दिक्कत को भी बोलते हैं जी सर, बोलिए ना। ये आपके क्षेत्र के लोग हैं जी, अगर ये समाज का लोग वायरल मैसेज होगा जी, पूरे देश प्रदेश जिला देगा जी, आपके समाज का आपके गांव का जी, ठीक है। हम अभी दिखा नहीं रहे हैं, हम अभी दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन हम गलत होने भी नहीं देंगे, इसलिए मेरा कैमरा चालू रहेगा। अगर सही से हो गया सब आदमी सहमति से, अगर सही पंचायती हो जाता है तो कोई दिक्कत ना है। आपका कहना है ना कि सही न्याय मिल गया तो नहीं कुछ करेंगे, आप भरोसा रखिएगा। नहीं हम भरोसा, हम तो कुछ नहीं कहें, आप लोग अपना काम कीजिए, मेरा कैमरा चालू है, बात खत्म है, कीजिए आप लोग अपना काम। हम लोग आपसे बढ़कर हम नहीं हैं और हमसे बढ़कर आप लोग नहीं हैं। अभी कुछ नहीं करते, नहीं डालते कुछ, हम डाल नहीं रहे हैं। देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को अब गांव के जनप्रतिनिधि भी अपमान करने लगे हैं। मामला देवदा पंचायत के सरपंच के पुत्र के द्वारा किया गया है। आजकल ग्राम पंचायत में जहां सरकार बार बार महिलाओं को आगे आने की बात करती है, वही महिला जब पंचायत प्रतिनिधि बनती है तो उसका दायित्व उसके पुत्र या पति या अन्य सदस्य पंचायत को चलाने का काम करते हैं। वही मामला आज फिर एक बार देखने को मिला। देवदा पंचायत के सरपंच पद से जीती महिला बीना देवी के पुत्र पांडव सहनी के द्वारा पंचायत में सरपंच पद की कुर्सी पर बैठकर पंचायत चलाने का काम लगातार देखने को मिलते रहता है। वहीं पत्रकारों के साथ भी जब पत्रकार पहुंचे हैं पंचायत भवन पर तो सरेआम पत्रकारों को अपमान किया जाता है। ना बैठने के लिए कुर्सी, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिलती है एवं वीडियो बनाने पर पत्रकारों को रोका जाता है। बीएनपी न्यूज के लिए हसनपुर से संवाददाता गौरव सिन्हा की रिपोर्ट। हमको जहां लगेगा हम कैमरा चालू करेंगे, सीधा बात। उसके बाद हम लोग जाने ही वाले थे कि ये लड़का उठ के जाने वाले थे, ये सब निकला घर से, इसको गाली देने लगा, कलर पकड़ लिया। मतलब भेला शाम से फेंक रहा था कोई ऊपर से, फेंक रहा था कि नहीं आगे, उसके बाद भी ठेला फेंका। तुम लोग हम लोग आ